गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को लेकर आम लोगों में खूब उमंग रहता है। क्या आप जानते हैं भगवान गणेश की धूमधाम और पूरी भक्ति से पूजा पाठ के बाद उनकी प्रतिमा को क्यों विसर्जित कर दिया जाता है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिनों तक सुनाई थी। श्री गणेश जी ने एक एक अक्षर इसे लिखा था। वेद व्यास ने जब 10 दिन बाद आंख खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया था। इसके बाद वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया था, इसीलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। इसी कथा में ये भी वर्णित है कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसीलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया था। ये लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, माटी झरने लगी, तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा। इस बीच वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश को मनपसंद आहार अर्पित किए, तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा का स्थापन और विसर्जन किया जाता है। साथ ही उन्हें 10 दिनों तक स्वादिष्ट आहार चढ़ाने की भी प्रथा है।